ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो 2024 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल किन राशियों के लिए संतान प्राप्ति के पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही ये जो हम राशिफल बता रहे हैं, देखिए जन्म की राशि पर आधारित है, तो आप अपने जन्म की राशि से अपना राशिफल अवश्य देखें। साथ ही किस समय पर आपको सावधानी रखनी चाहिए, उपाय करने चाहिए, अगर पुत्र की इच्छा रखते हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको संतान की पुत्र की प्राप्ति हो सके, उसकी भी हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों संपूर्ण जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रत कथा एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। संतान की प्राप्ति के लिए देखिए कुंडली में पंचम भाव को देखा जाता है। अगर पंचम भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो उनको अच्छे संतान सुख के योग बनते हैं। वहीं पर अगर पंचम भाव में बृहस्पति स्वराशि या उच्च राशि में होकर शुभ स्थान में हो तो पुत्र संतान के बहुत अच्छे योग बनते हैं। फरवरी फरवरी मार्च अप्रैल में किन राशियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ प्रबल योग बन रहे हैं उसकी हम जानकारी दे रहे हैं। साथ ही आपको देखिए पुत्र की इच्छा है तो सम दिन के साथ सम तिथि का प्रयोग अवश्य करें और वीडियो के आखिर में जो हम आपको उपाय बताएंगे उनको अवश्य करें तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को देखिए 1 जनवरी से बहुत ही श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं और 12 अप्रैल तक बहुत ही श्रेष्ठ योग बने हुए हैं। दोस्तों दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए जनवरी से 13 अप्रैल तक बहुत ही श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के योग बने हुए और वर्ष के अंत तक संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी फरवरी मार्च और 12 अप्रैल तक बहुत ही श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन जो बीच का समय है यानी 24 फरवरी से 26 मार्च तक इस समय का प्रयोग ना करें। इस समय पर आपके योग कम रहे तो आप उपाय अवश्य करें। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी फरवरी मार्च और 13 अप्रैल तक बहुत ही श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दोस्तों अगली जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के योग है, लेकिन उपाय अवश्य करें, निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शेष संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन कुछ परेशानियों का सामना सकती हैं संतान प्राप्ति में, तो आप उपाय अवश्य करें तो निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति के योग हैं और आपको 13 अप्रैल तक जनवरी से 13 अप्रैल तक बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक बहुत ही श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं और अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन के साथ सम तिथि का प्रयोग अवश्य करें। अगली और आखिरी भाग्यशाली राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी फरवरी मार्च और 13 अप्रैल तक बहुत ही श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के और पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दोस्तों ये 8 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको देखिए जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल तक बहुत ही श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। दोस्तों जिन भी राशियों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो आप पीपल की परिक्रमा अवश्य करें, पीपल का पूजन अवश्य करें और पीपल के नीचे आप दीपक अवश्य जलाएं और गुरुवार के दिन हल्दी वाला पानी, मतलब हल्दी वाला पानी और थोड़ी सी चने की दाल ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः कहते हुए केले के जड़ में अवश्य चढ़ाएं, निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। जिन भी दंपतियों को देखिए पुत्र की इच्छा है तो अपने बेडरूम में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की तस्वीर अवश्य लगाएं और डेली आप चाहे 11-21 बार संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करें और कमर में मदार की जड़ के साथ पीली कौड़ी को अवश्य धारण करें तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों जिन राशियों के लिए दिक्कत आ रही है वो पीपल का पूजन अवश्य करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन अवश्य करें, निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। जिन जातकों को देखिए पुत्र की इच्छा है तो स्त्री के जो मासिक धर्म होते हैं उसके जो सम दिन होते हैं जैसे 6ठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, इन दिनों का प्रयोग करें। इनके साथ जो तिथियां आती हैं जैसे द्वितीया हो गई, चतुर्थी हो गई, षष्ठी हो गई, अष्टमी हो गई, दशमी हो गई, द्वादशी,
तो तिथियों का प्रयोग करेंगे। और साथ ही अगर बीच में देखिए सम दिन के साथ सम तिथि के साथ अगर आप जैसे शनिवार का दिन पड़ जाता है तो दिन शनिवार का दिन आप छोड़ दें, निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। और जो हमने उपाय बताए हैं वो सभी राशि वाले करें तो निश्चित ही इनको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये हमने जो राशियाँ बताई हैं, देखिए जन्म की राशि पर आधारित है, और अगर पुत्र की इच्छा रखते हैं तो अपने हस्बैंड की राशि अवश्य देखें। अगर पति पत्नी दोनों की राशियों में ये योग आ रहा है तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेश।